बड़ी खबर आपको बता दें, एटमी तैयारी पर पोलैंड का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। अपनी धरती पर न्यूक्लियर हथियार तैनात करने को कहा है अमेरिका से। पोलैंड ने कहा है कि हमारे यहाँ एटमी हथियार तैनात करें। तो यूएस से पोलैंड ने कहा है कि हमारे यहाँ एटमी हथियार तैनात करें। ये एक तरह से इन्वाइट किया है पोलैंड की तरफ से। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज। रूस के कब्जे में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ापोरिज़्या प्लांट को रूस ने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। ज़ापोरिज़्या प्लांट के लिए पुतिन का स्पेशल ऑर्डर जारी हो गया है। मॉस्को की निगरानी में काम करेगा न्यूक्लियर प्लांट। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के चार राज्यों को रूस में शामिल करने पर बोले पुतिन, जनमत संग्रह के नतीजों ने मुझे चौंका दिया था, रेफरेंडम के नतीजे देखकर मैं बहुत खुश था। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन का काउंटर अटैक जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, रूसी फौज को कुछ तेजी से पीछे धकेल रही है यूक्रेनी सेना। और एक और बड़ी खबर, रूसी गैस पर प्राइस कैपिंग की तैयारी में यूरोपियन यूनियन के टॉप अफसरों ने कहा है कि रूस की गैस पर प्राइस कैप लगाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी कब्जे पर यूएन का बयान आ गया है, युद्ध की वजह से बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है, मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है, ये कह रहा है यूएन। प्राइस कैप के प्लान पर ईयू को रूस की वार्निंग, कीमत तय करने वाले देशों को गैस नहीं देंगे, प्राइस कैप लगाने वाले देशों की गैस सप्लाई रोकेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिलिट्री और सिक्योरिटी अफसरों के साथ ज़ेलेंस्की की बैठक हुई है। मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया है अपने सभी इलाकों को खाली कराएंगे। और पीछे हटने के बाद संभलने की तैयारी में जुटा हुआ है रूस। खेरसोन में तैनात रूसी अफसर का दावा, खेरसोन में एकजुट हो रही है रूसी फोर्सेस, जल्द ही हमलों का नया राउंड शुरू कर सकता है रूस। और अगली बड़ी खबर लिथुआनिया से जुड़ी, लिथुआनिया के एक्शन पर रूस का जवाब, लिथुआनिया के राजदूत को बाहर निकाल दिया गया है, लिथुआनिया ने रूसी राजदूत की मान्यता रद्द की।